हेलो BGMIN PUBG लवर्स, कैसे हो आप सब? मस्त बिंदास, फर्स्ट क्लास, चेक कास्ट। तो गाइज, हमेशा ऐसे ही रहो और खुश रहो। तो गाइज, आज हम लोगों के यहाँ पे M7 रॉयल पास का वीक 4 ओपन हुआ है, तो उसके अंदर जितने भी मिशन है वो सारे मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो भी न्यू मिशन है वो मैंने हमारी मेन चैनल 1 मिनट मोनिका पे डाल दिए हैं, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके मिशन की वीडियो देख सकते हो। और गाइज, 100 के होने में बस थोड़े से ही सब्सक्राइबर कम है, तो आप लोग जल्दी से कम्प्लीट करवा दो। गाइज, RP के अंदर आप लोग देखोगे तो मिशन के अंदर, तो गाइज यहाँ पे फर्स्ट मिशन है एलाइट पिकअप कंपेंसेटर इन 15 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइज, यहाँ पे क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को 15 मैच में कंपेंसेटर पिकअप करना है और इसके आपको 100 RP पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एलाइट का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे रॉयल पास परचेज करी होगी तभी आप लोग इस मिशन को यहाँ पे कलेक्ट कर पाओगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैप में रैंक के अंदर आपको कोई सा भी मैप लगा देना है, या फिर आप लोग अनरैंक के अंदर कोई सा भी मैप लगा के खेल सकते हो। सिंपली गाइज, यहाँ पे हो सके तो आफ्टर डेथ मैच लगा के भी आप लोग ज़्यादातर खेलना, इसमें आपको कंपेंसेटर जल्दी से मिल जाएगा। अब गाइज, यहाँ पे गेम के अंदर देखो, आप लोग मुझे 3 टाइप के कंपेंसेटर मिले हैं, जो कि स्नाइपर का कंपेंसेटर है, AR का कंपेंसेटर है और यहाँ पे SMG का कंपेंसेटर है। तो गाइज, यहाँ पे वैसे तो 15 मैच लिखा है, बट एक गेम के अंदर अगर आप लोग 3 कंपेंसेटर उठाते हो तो आप लोगों के 3 कंपेंसेटर यहाँ पे काउंट हो गए। ऐसे करके टोटल सिर्फ 5 मैच के अंदर आप लोग इस मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। तो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट मिशन है फिनिश 2 एनिमी विद इन 60 सेकंड ऑफ लैंडिंग इन क्लासिक मोड। तो गाइज, क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जमीन पे लैंड होते ही 60 सेकंड के अंदर 2 एनिमी मारने हैं और इसके आपको 100 RP पॉइंट मिलेंगे। अब इसका मतलब भी यहाँ पे एलाइट है, तो एलाइट का मतलब वही है, अगर आप लोगों ने रॉयल पास परचेज करी होगी तब भी आप लोग इस मिशन को कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में क्लासिक में रैंक में कोई सा भी मैप लगाओ, या फिर अनरैंक के अंदर भी आप लोग खेल सकते हो। यहाँ पे मैं ज़्यादातर आपको सजेस्ट करती हूँ आप लोग यहाँ पे क्लासिक में इरंगल लगा के खेलो। अब गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करो कि आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन लोकेशन पे मार्क लगाओ, फिर आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन लोकेशन पे ही जाना। अब यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से लैंड नहीं करना, अगर आप लोगों को ऑफलाइन लोकेशन पे 1-2 बंदे दिखते हैं तो आप लोग धीरे धीरे उन बंदों के साथ ही लैंड करो, ठीक है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे लैंड कर रही हूँ। अब जैसे ही ज़मीन पे आप लोग लैंड होते हो ना, तो लैंड होते ही आप लोग मुक्के से इस एनिमी को मार देना, क्योंकि लैंड होते ही आप लोगों को 60 सेकेंड मतलब सिर्फ 1 ही मिनट के अंदर 2 बंदे मारने हैं। तो ऑफलाइन वाली ट्रिक सही रहेगी, इसमें आप लोग जल्दी से मिशन कंप्लीट कर पाओगे। इसके बाद चले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड मिशन की। तो गाइज, यहाँ पे थर्ड मिशन में लिखा है वीक 4 एंड 5 ओनली फॉर एवरी 100 मिनट स्पेंड इन मैचेस। तो गाइज, आप लोगों को यहाँ पे टोटल 6 बार 100 मिनट स्पेंड करने पे 75 RP पॉइंट मिलेंगे। ऐसे करके टोटल 450 RP पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाते हैं। गाइज, अभी आप लोग इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जब वीक 4 ऑफिशियली सबका ओपन होगा तभी आप लोगों का ये मिशन कंप्लीट हो सकेगा। वीक 4 की यहाँ पे मैं टाइमिंग बता दूँ तो वो यहाँ पे 8 तारीख है, 8 तारीख से ऑफिशियल वीक 4 ओपन होगा, फिर सब लोग इस मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। वीक 4 और वीक 5 जो भी यहाँ पे लास्ट तक टाइमिंग रहेगी रॉयल पास एंड होने की, वहाँ तक आप लोग इस मिशन को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और मिशन को कंप्लीट करने की इजी ट्रिक सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे मैप में आप लोग रैंक में कोई सा भी मैप लगा के खेलो, अनरैंक में कोई सा मैप लगा के खेलो, एरिना खेलो, अदर खेलो, किसी के भी अंदर आप लोग टोटल यहाँ पे 100 मिनट स्पेंड कर दोगे तो आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की। तो गाइज, यहाँ पे रॉयल पास में आप लोग देखो फोर्थ मिशन में लिखा है फिनिश 6 एनिमी विद बोल्ट एक्शन राइफल इन इरंगल इन क्लासिक मोड। तो गाइज, क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल से इरंगल में 6 एनिमी मारने हैं और इसके 150 RP पॉइंट मिलेंगे। अब इसके ऊपर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड बूस्ट। तो गाइज, फ्रेंड बूस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोग इस मिशन को रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे तो आप लोग यहाँ पे एनिमी मारोगे वो तो आपका यहाँ पे काउंट होगा, बट अगर आपका रॉयल पास वाला फ्रेंड भी उस गेम में आप लोगों के साथ एनिमी मारता है तो उसका मिशन भी आपके अंदर काउंट होगा। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में रैंक के अंदर आपको फर्स्ट नंबर पे इरंगल देखने को मिलता है तो आप लोग स्पाइडरमैन लगा के खेलो, या फिर स्पाइडरमैन ऑफ करके भी खेल सकते हो, बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग अनरैंक के अंदर इरंगल लगा के खेलो। अब गाइज, यहाँ पे अगर आप लोग अनरैंक के अंदर इरंगल लगा के खेलते हो तो आप लोगों को यहाँ पे शॉप का ऑप्शन मिल जाता है।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल बताऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखो आप लोगों को सेकंड नंबर पे स्नाइपर राइफल मिलेगी। तो गाइस कार 98 वैसे तो आप लोगों की कहीं पे भी पड़ी हुई देखने को मिलेगी, आप लोग हॉट ड्रॉप लोकेशन ले सकते हो। इससे आप लोग इरेंगल में 6 एनिमी मारो आपका मिशन हो जाएगा, या फिर आप लोग M24 यूज़ कर सकते हो। अब गाइस M24 आप लोगों को शॉप में भी मिल जाती है, ठीक है 40 पॉइंट से M24 मिलती है, तो इसको भी आप लोग परचेस करके बंदे मार सकते हो। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको AWM मिल जाती है, तो AWM से भी आप लोग मार सकते हो, ये भी आपको शॉप में 90 पॉइंट से मिल जाती है। उसके बाद Win94 आपको नहीं मिलती तो ये तो छोड़ ही दो। चौथे नंबर पे मौसिन नगेन भी आप लोगों को हॉट ड्रॉप लोकेशन पे मिल जाएगी, तो इससे भी आप लोग एनिमी मार सकते हो, ठीक है टोटल 6 एनिमी आपको मारने हैं। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मिशन की। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देखो पांचवें मिशन में लिखा है फ्रेंड बोनस फिनिश इन द टॉप 3 विद फ्रेंड 3 टाइम इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे 3 बार टॉप 3 में आना है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिलने वाले हैं। और यहाँ पे फ्रेंड बोनस लिखा है तो इसका मतलब ये है कि अगर इस मिशन को आप लोग रॉयल पास वाले फ्रेंड के साथ करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे 30 आरपी पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे मैप में आप लोगों को रैंक के अंदर यहाँ पे कोई सा भी मैप लगा देना है, बट ज़्यादातर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप लोग अनरैंक लगा के खेलो, और अनरैंक में आप लोग आफ्टर मैथ लगाना, फर्स्ट नंबर का जो आफ्टर मैथ है उसको लगाना, और यहाँ पे आप लोग डुओ या स्क्वाड में अपने फ्रेंड के साथ खेलना, ठीक है फ्रेंड लिस्ट में से किसी भी बंदे को बुलाओ उसके साथ आप लोग यहाँ पे गेम स्टार्ट करो। अब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग मैं आपको बता दूँ तो चलो मैं मेरे करियर रिजल्ट में आपको ले चलती हूँ। और गाइस यहाँ पे आप लोग देखो करियर रिजल्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग गेम खेले थे ये वाले आप लोग देखो जिसमें हम लोग #1 नंबर पे आए हैं, ठीक है #1। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को #1 #2 या फिर #3 तीन में से किसी भी नंबर पे आना है जिससे आप लोगों का मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है आई होप आप लोग मिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिशन की। तो गाइज नेक्स्ट मिशन में यहाँ पे आप लोग देखो इन क्लासिक मोड एलिमिनेट प्लेयर विद द पेन 3 टाइम एज अ स्क्वाड। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे 3 बंदे पेन से मारने हैं और इसके आपको यहाँ पे 75 आरपी पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर लिखा है टीम बूस्ट, तो टीम बूस्ट का मतलब गाइज यहाँ पे ये होता है कि अगर आप लोग यहाँ पे गेम स्टार्ट करते हो भले आप लोग रैंडमली खेलो या अपने फ्रेंड के साथ खेलो, अगर आपके फ्रेंड ने रॉयल पास खरीदी होगी और रैंडम बंदा जो आपसे जुड़ता है ऑटो मैचिंग से उसने भी अगर रॉयल पास परचेज करी होगी तो उसमें से जो भी बंदा पेन से आप एने में मारेगा ना तो उसका भी मिशन आपके अंदर काउंट होगा। तो गाइज यहाँ पे इसके लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे मैप में आप लोगों को रैंक के अंदर कोई सा भी मैप लगा देना है, अनरैंक में भी कोई सा भी मैप लगा देना है। तो यहाँ पे आप लोगों को चले मैं मिशन करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यहाँ पे देखो एक एनिमी था तो इसको मैंने जल्दी से यहाँ पे पेन से नॉक किया, और यहाँ पे मैं आपको पेन भी बता दूँ तो देखो ये रहा हमारा पेन, इससे आपको एनिमी मारना है। उसके बाद यहाँ पे देखो मेरे दूसरे फ्रेंड ने भी यहाँ पे पेन से एनिमी नॉक किया, और उसके बाद यहाँ पे तीसरे फ्रेंड ने भी करा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो अगर आप लोग एक ही गेम में अलग अलग फ्रेंड भी आपके 3 बंदे मार देते हैं पेन से तो भी आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर मैच मैप सही रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादातर बोट मिलते हैं तो मिशन जल्दी से हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट मिशन में यहाँ पे है फिनिश 4 एनिमी विद S1897 इन क्लासिक मोड। तो क्लासिक मोड में आप लोगों को यहाँ पे S1897 से 4 एनिमी मारने हैं और इसके 75 आरपी पॉइंट है। तो इसके लिए सबसे ईजी रहेगा कि आप लोग यहाँ पे मैप में कोई सा भी लगाओ, ज़्यादातर आफ्टर मैच लगा के खेलना क्योंकि आफ्टर मैच में आप लोगों को यहाँ पे S1897 भी जल्दी मिल जाएगी और बोट भी मिल जाएगी। एक गेम में आप लोग 4 बार एनिमी मार भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं S1897 बता दूँ तो इन्वेंट्री में गन के ऑप्शन में आप लोग देखो शॉर्ट गन के अंदर आप लोगों को सेकेंड नंबर पर ये वाली गन देखने को मिल जाती है S1897। तो आप लोग अच्छे से इस गन को देखो, इस गन से आप लोगों को सिर्फ 4 एनिमी मारने हैं, ठीक है। उसके बाद चले हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट मिशन की। तो गाइज नेक्स्ट मिशन में यहाँ पे लिखा है पिकअप पर्सनल हेलमेट लेवल 3 इन 8 मैचेस इन क्लासिक मोड। तो गाइज क्लासिक मोड के अंदर आप लोगों को 8 मैच में यहाँ पे लेवल 3 का हेलमेट लेना है और इसके आपको 75 आरपी पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग यहाँ पे रैंक और अनरैंक कोई सा भी मैप खेल सकते हो, बट मैं आपको ज़्यादातर सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आफ्टर मैच लिविक या फिर इरेंगल इनको लगा के खेलना क्योंकि इसमें शॉप का ऑप्शन मिलता है तो शॉप से आप लोग हेलमेट परचेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो मेरे पास अभी थोड़े से कॉइन है और यहाँ पे शॉप भी है तो शॉप के अंदर आप लोगों को 3rd लेवल का हेलमेट देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप लोगों को सिंपली परचेस कर लेना है। टोटल 8 बार आप लोग इसको यहाँ पे लेते हो तो आप लोगों का मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग फ्रेंड के साथ खेलते हो तो आपके फ्रेंड से भी आप लोग हेलमेट ले सकते हो।
उसके बाद चले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मिशन की। तो गाइज नेक्स्ट मिशन में यहाँ पे लिखा है यूज मैड किट 5 टाइम इन क्लासिक मोड। तो आप लोगों को यहाँ पे 5 बार मैड किट का यूज करना है और इसके आपको 75 RP पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या करो कि वैसे तो कोई सा भी मैप लगाओ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पे लिविक लगा के भी खेल सकते हो। और मुझे याद नहीं है शॉप में मैड किट आती है कि नहीं, शायद से मैड किट नहीं आती शॉप में, बट आप लोग लिविक लगा के खेलना। गाइस लिविक में आप लोग वाटरफॉल नाम के लोकेशन पे जाना और वाटरफॉल में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को यहाँ पे क्रिएट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। तो उसी क्रिएट को गाइस आप लोग यहाँ पे ओपन करना, इसमें से आप लोगों को सिंपली से यहाँ पे मैड किट मिल जाएगी। जैसे ही आप लोगों का खून कम होता है, आप लोग डैमेज होते हो, तो उसी मैड किट का आपको यूज़ कर लेना है। टोटल आप लोग यहाँ पे एक ही मैच के अंदर मैड किट भी यूज़ कर लेते हो तो भी आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट मिशन की बात करते हैं। तो गाइज यहाँ पे लिखा है फिनिश 100 एनिमी विथ द M762 इन एरिना। तो गाइज एरिना में आप लोगों को M762 से 100 एनिमी मारना है और उसके जस्ट नेक्स्ट मिशन आप लोग देखोगे तो वहाँ पे वेक्टर है, ठीक है। तो दोनों मिशन सेम है, सिर्फ गन अलग अलग है, एक में M762 है, सेकंड में यहाँ पे वेक्टर है। तो ये दोनों मिशन के लिए आप लोग सिंपली क्या करो कि यहाँ पे मैप में अनरैंक के अंदर आप लोगों को एरिना देखने को मिल जाता है। तो गाइस एरिना में कोई सा भी मैप लगा सकते हो। अगर आप लोग यहाँ पे एरिना ट्रेनिंग खेलते हो तो एरिना ट्रेनिंग में आपको टेबल पे गन रखी हुई देखने को मिलेगी, वेक्टर भी मिल जाएगी और M762 भी मिल जाएगी। बट इजी ट्रिक आपके लिए क्या रहेगी कि आप लोग यहाँ पे डोमिनेशन लगा के खेलो, तो लास्ट वाला डोमिनेशन मैप है उसको खेलो। अब लोड आउट के फीचर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको M7 का बताऊँ, तो किसी भी गन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे M762 को इक्विप कर सकते हो, जो हमारी नॉर्मल M762 आती है उसको। अब लास्ट में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे तो M7XT भी है, बट XT को आप लोग इक्विप मत करना क्योंकि इससे किल करोगे तो आपके काउंट नहीं होगे। इसलिए नॉर्मल M762 को आप लोग यहाँ पे ढेर सारे अटैचमेंट है, जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल अटैचमेंट रहते हैं उसको इक्विप करो और लास्ट में M7 को इक्विप करके आप लोग यहाँ पे डोमिनेशन लगा के खेल सकते हो। और सेम वेक्टर वाला मिशन करना है, तो वेक्टर के लिए आप लोग क्या करो कि यहाँ पे आप लोगों को UMP वाले निशान में वेक्टर देखने को मिल जाएगी। अब लास्ट में वेक्टर XT भी मिलती है, तो वेक्टर XT मस्त लगाना क्योंकि इससे किल काउंट नहीं होते। नॉर्मल वेक्टर XT को आप लोग इक्विप कर देना और इसी से आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किल करना ताकि आपका मिशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद गाइज मैं नेक्स्ट मिशन यहाँ पे बताऊँ, तो अब हमारा लास्ट मिशन है जिसमें यहाँ पे लिखा है ओपन द स्पाइडर क्रिएट 3 टाइम इन क्लासिक मोड स्पाइडर मैन नो वे होम। तो आप लोगों को यहाँ पे 3 स्पाइडर क्रिएट यूज़ करने हैं, मतलब उसको ओपन करना है। अब आप लोग मेरी 1 मिनट मोनिका चैनल पे जाओ गाइज, उसके अंदर इतना मस्त ग्लिच चल रहा है ना, मैंने लाइव प्रूफ के साथ बताया है वीडियो। आप लोगों को चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर भी मैं आपको मिशन एक्सप्लेन कर दूँ, आप लोगों को मैप के अंदर यहाँ पे रैंक में एक तो इरेंगल है और एक तो लिबेक है, दोनों में आपको स्पाइडरमैन देखने को मिलते हैं। तो वही स्पाइडरमैन मोड लगा के आपको गेम को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे 4 वीक हो गए हैं क्रिएट, तो आप सबको पता ही होगा अलग अलग लोकेशन से क्रिएट रहते हैं वेब क्रिएट, उसी को आप लोगों को फोड़ना है, उसी को आपको ओपन करना है जिससे आपका मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चले गाइस, आई होप आप लोग सारे भी मिशन को अच्छे से समझ गए होंगे। जल्दी से मिशन कंप्लीट करो और जल्दी से अपनी 50 RP कंप्लीट करो। 1 मिनट मोनिका चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, 100K सब्सक्राइबर होने में थोड़े से ही कम है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।